देखिए इनका इंटेंशन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके चलते कोई सुधार हो, स्कूल में और पढ़ाई लिखाई बढ़ जाए, यह इंटेंशन नहीं है इस काम को करते हुए। जो आर्थिक सर्वे इनकी ओर से ही जारी किया गया है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ही आईना की तरह यह बात आ गई है कि बिहार में हर समाज का लोग इनके 33 वर्षों के शासन काल में आज भी कहां खड़ा है। चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित महादलित समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं, 35 साल से इन लोगों का राज चल रहा है और इतने दिनों में बिहार कहां खड़ा है। एक आईना है इन लोगों के लिए भी, अपनी पीठ चाहे जितना थपथपा लें, लेकिन पूरे तौर पे आईना है। इन्होंने जो मौका मिला उसका इस्तेमाल अगर इतने दिनों में किया होता तो 35 साल और 33 साल में तो कितना कुछ किया जा सकता था। तो दोनों ने मिलकर 33 साल में बिहार की जनता को इसी तरह से ठगा है और आगे इनको लगता है कि अब जनता हमारी बातों से ठगाने वाली नहीं है। चुनाव में अब जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, सभी समाज का नौजवान पूछेगा कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, उद्योग धंधा बिहार में क्यों नहीं लगा, शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई। तो कुछ अब तात्कालिक कुछ ऐसा निर्णय करो कि लोग भावना में आकर उनको वोट दे दे, यही कोशिश है। और इसी कोशिश का परिणाम है कि अभी छुट्टी कहीं घटाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शायद मुगालते में है सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग दो दिन कहीं छुट्टी ईद में बढ़ा देंगे, उससे अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश हो जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ उनको वोट दे देंगे। गलतफहमी में है नीतीश जी और सरकार में बैठे हुए लोग। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी दो दिन की छुट्टी से अब खुश होने वाले नहीं है, उनको भी अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम चाहिए, उनको भी चाहिए, उनके घर में जो युवा हैं उनके लिए भी नौकरी चाहिए, उनके लिए भी स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम चाहिए। इन लोगों को लगता है कि नहीं कुछ किया तो दो दिन छुट्टी बढ़ा दो, अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे ही वोट दे देंगे। अब अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपना हक सोचते हैं कि किस बात में अच्छा है, किस बात में बुरा है और क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उनके विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका भी ध्यान अब गया है। तो अब मुगालते में इन लोगों को नहीं रहना चाहिए। इस छुट्टी की घोषणा से वोट इनका कोई बढ़ जाएगा अल्पसंख्यक समाज में, यह बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी ने तो अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में। बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि जिस CAA की बात होती है उसको पारित कराने का काम राज्यसभा में पार्लियामेंट में अगर JDU के लोगों ने साथ नहीं दिया होता उस वक्त, तो CAA कभी कानून का रूप लेता ही नहीं। तो जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरा है, उस चेहरा को अल्पसंख्यक समाज के लोग याद रखे हुए रहेंगे जीवन भर। और दो दिन की छुट्टी से यह चेहरा नीतीश कुमार जी का उन लोगों के बीच सुधर जाए, यह सोचते हो नीतीश जी, तो यह बिल्कुल गलत है, नहीं संभव है ऐसा। अब समाज के हर व्यक्ति के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए अच्छी पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के लिए हर तरह से उचित मूल्य मिले, उनको उद्योग धंधा की स्थापना हो, तमाम जो विकास का आयाम है उस पर अब समाज के लोगों का ध्यान गया है, उसी के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे अब आगे भी लोग वोट करेंगे। और यही कारण है कि इन लोगों के तमाम प्रयास के बाद आज बिहार भर में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प लोकसभा चुनाव में नहीं है। इसलिए फिर से बिहार में नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम को देख करके लोग वोट करने वाले हैं, यह बात इन लोगों को अंदर अंदर पता है, इसलिए इस तरह का अनर्गल निर्णय लेते हैं। कभी कुछ ऐसा करो कि लोग सेंटीमेंट में आकर के वोट दे दें, जो अब संभव नहीं है। तो आज की तारीख में
हम सब लोगों को भी ईमानदारी से संकल्प लेना चाहिए कि जनता का जो सवाल है उन सवालों को लेकर हम कैसे क्या कुछ कर पाए। हम लोगों ने तय किया था। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।